गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को अपडेट कर सकते हैं कंपोनेंट डिड माउट का इस्तेमाल करके। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एपीआई से सारा डेटा लेकर आ सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम थी, हमें जो आर्टिकल्स मिल रहे थे वो 20 थे और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये एपीआई शो कर रही थी, अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं डायरेक्टली एपीआई को, तो वो कर रही थी 38, तो मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 20 आर्टिकल्स। एक्चुअल में है 38 आर्टिकल्स, इसका मतलब जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो पेज नंबर 2 पर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एम्परसेंट पेज इज इक्वल टू 2, अब देखो पहला आर्टिकल कोविशील्ड का है यहाँ पर, अगर मैं पेज इज इक्वल टू 2 करूँगा तो पहला आर्टिकल हो जाएगा कुछ और, ठीक है, इसका मतलब पेज इज इक्वल टू 2 पर भी कुछ मौजूद है, ठीक है। तो उस मौजूदा आर्टिकल को लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि पेज इज इक्वल टू 2 या पेज इज इक्वल टू 3 ऐसे मैं कुछ करूँगा और मैं करंट स्टेट बनाऊँगा और उस स्टेट में मैं क्या करूँगा कि एक पेज पैरामीटर डाल दूंगा और बाय डिफॉल्ट पेज जो होगा वो 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पेज इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ तब क्या होगा, तो मेरा वो कोविशील्ड वाला ही आर्टिकल आना चाहिए। देखो कोविशील्ड वाला आर्टिकल आ रहा है और ये जो एम परसेंट पेज इज इक्वल टू 1 है ये मैं यहाँ पे एम्पेंड करूँ ना करूँ बाय डिफॉल्ट ये 1 ही ले रहा था पेज। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी न्यूज़ कंपोनेंट है, जो कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पर या फिर इसके अंदर या इसके बाद, अभी के लिए मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ, एक और मैं कंटेनर बनाऊँ और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँ कि सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, 2 बटन बनाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से गेट बूटस्ट्रैप पर जाता हूँ, getbootstrap.com पर, और मैं कंपोनेंट्स में जाने के बाद बटन्स में जाऊँगा, 2 बटन लेकर आऊँगा, ठीक है। ये क्लोज बटन क्या है, नहीं ये वाला बटन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ बटन चाहिए नॉर्मल वाला। तो मैं बटन्स में जाकर 2 बटन्स लेकर आऊँगा, प्रीवियस और नेक्स्ट के। अब मैं अपनी ऐप को कौन सा कलर देना चाहता हूँ ये मेरे ऊपर है, अगर मैं डार्क देना चाहता हूँ तो मैं ये वाला बटन लेकर आऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर 2 बटन पेस्ट कर दूँगा, एक में मैं लिखूँगा प्रीवियस और एक में मैं लिखूँगा नेक्स्ट। और यार ये जो वार्निंग मिल रही है ना यहाँ पर, मैं इसमें rel इज इक्वल टू नो रेफर डाल देता हूँ, उससे क्या होगा ये वार्निंग खत्म हो जाएगी। तो मैं rel इज इक्वल टू नो रेफर डाल दूंगा यहाँ पर और ये वार्निंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 2 बटन्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, मेरी ऐप कुछ इस तरह से दिखती है। मैं डार्क मोड भी इनेबल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर नैव बार में डार्क मोड इनेबल करूँगा। इस बार मैं कोई बटन नहीं बना रहा हूँ डार्क मोड लाइट मोड का, वो आप लोग खुद कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे अगर मैं वैसा करूँगा तो, आपको मालूम है कि कैसे डार्क मोड और लाइट मोड करना है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। उसी के साथ साथ ये जो न्यूज़ आइटम का बटन है, इसमें मुझे बस एक जगह क्लास नेम चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पर BTN प्राइमरी है वहाँ मैं BTN डार्क करूँगा, सारे बटन्स डार्क हो जाएंगे। यही फ़ायदा है कंपोनेंट्स को यूज़ करने का, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब यहाँ पर देखो प्रीवियस और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब प्रीवियस और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं ये लेकर आना चाहता हूँ बूटस्ट्रैप की फ्लेक्स बॉक्स वाली ग्लास के अंदर, ताकि ये एक इधर हो एक इधर हो। मैं बता दूँ मेरे कहने का क्या मतलब है, बूटस्ट्रैप फ्लेक्स बॉक्स ये लिखूँगा मैं और मुझे फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस मिल जाएंगी बूटस्ट्रैप की। ये तो वर्जन 4 है, मुझे वर्जन 5 चाहिए। तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले फ्लेक्स है और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मैं आइटम्स को कुछ इस तरह से रखना चाहता हूँ, एक बटन यहाँ हो एक बटन यहाँ हो। तो ये कौन सा वाला है, 1 2 3 4, फोर्थ वाला है, 1 2 3 4। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन वाली क्लास में लेकर आऊँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लेकर आऊँगा और जस्टिफाई कंटेंट कॉन्टेंट, जस्टिफाई कॉन्टेंट बिटवीन, तो मैं यहाँ पर कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन दे दूंगा और देखूंगा कि क्या मेरा काम हो गया। हाँ यार मेरा काम हो गया, एक प्रीवियस यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया। मैं प्रीवियस नेक्स्ट पर क्लिक कर सकता हूँ और मुझे अगली न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो अगली सेट ऑफ न्यूज़ जो है वो लोड होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये करने के लिए सिंपली मैं दो काम और करता हूँ। मैं बताता हूँ क्या, प्रीवियस एरो HTML, और मैं ये कोड क्यों लेकर आ रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यार प्रीवियस एरो मैं इसलिए लेफ्ट एरो राइट एरो इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं प्रीवियस दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से दिखे और नेक्स्ट दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से दिखे, राइट एरो, ठीक है। प्रीवियस नेक्स्ट देखता हूँ बिल्कुल ठीक से सब कुछ हो गया कि नहीं, क्लोज स्टेप्स टू द राइट कर दिया मैंने, प्रीवियस नेक्स्ट मैं कुछ इस तरह से इसको दिखाना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ ये करने के बाद मैं जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पर क्लिक करने से मेरी नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज़ जो है वो लोड हो जाए, ठीक है। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, जैसे मान लो कोई नीचे आ गया तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरी नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज़ लोड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि कोई भी अगर नेक्स्ट पर क्लिक करता है तो मैं सिंपली एक ऑन क्लिक यहाँ पर ऐड कर दूँगा और हैंडल नेक्स्ट क्लिक करके एक फंक्शन बनाऊँगा और सेम काम मैं करूँगा प्रीवियस पर अगर कोई करता है तो, ठीक है, हैंडल प्रीवियस क्लिक के नाम से
और ये दोनों फंक्शन सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अब। और यहाँ पर हैंडल नेक्स्ट क्लिक भी डिफाइंड नहीं है और हैंडल प्रीवियस क्लिक भी डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली इसको दिस डॉट करके मुझे पुकारना पड़ेगा क्योंकि मैं क्लास के अंदर हूँ। दिस डॉट और अभी के लिए प्रीव क्लिक भी है, नेक्स्ट क्लिक भी अगर मैंने बना दिया तो मेरे एरर्स चले जाने चाहिए। तो मैं अगर हैंडल प्रीवियस क्लिक हैंडल नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ये फंक्शंस चलने चाहिए। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा प्रीवियस और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है, सेव कर दूँगा इसको नेक्स्ट क्लिक कर। सेव किया मैंने, प्रीवियस क्लिक हैंडल कर पाऊँगा, नेक्स्ट मैं हैंडल कर पाऊँगा। तो अब अगर मैं अपने कंसोल को खोलूँगा और मैं प्रीवियस या नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखो नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्लिक करा रहा है, ये प्रीवियस क्लिक करा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर कुछ काम कर सकता हूँ। तो प्रीवियस के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी स्टेट को चेंज करूँगा, ठीक है। स्टेट को चेंज करके मैं क्या करूँगा, जो मेरा पेज नंबर है उसको मैं चेंज कर दूँगा, एक से बढ़ा दूँगा, और प्रीवियस में मैं क्या करूँगा, एक से कम कर दूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि अगर मेरा जो पेज है अगर वो एक से एक या एक से कम है तो मैं प्रीवियस नहीं दूंगा क्योंकि कोई सेंस नहीं है प्रीवियस देने का। तो मैं क्या करूँगा, डिसेबल्ड इज इक्वल टू लिखूँगा। देखो डिसेबल्ड को अगर मैं ट्रू करूँगा तो वो बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। कब मैं डिसेबल करना चाहूँगा, अगर मेरा दिस डॉट स्टेट डॉट पेज जो है वो लेस देन इक्वल टू वन हो तो, ठीक है। अगर ये है तो मैं क्या करूँगा, डिसेबल कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि ये डिसेबल्ड है बटन, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, देख रहे हो आप लोग, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। नेक्स्ट पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तो मैंने यहाँ पर ये डिसेबल डाल दिया। अब उसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वाले को भी डिसेबल करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वाले को अभी डिसेबल नहीं करूँगा। नेक्स्ट वाले को मैं डिसेबल तब करूँगा जब मेरे पास सब कुछ ये प्रीवियस वाला सब कुछ काम करने लग जाएगा, उसके बाद मैं लॉजिक लिखूँगा। क्योंकि नेक्स्ट को भी मैं एक लिमिटेड टाइम तक ही क्लिक कर सकता हूँ, एक टाइम पर मुझे एम्प्टी आर्टिकल्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये करने के साथ साथ अभी मैं देखो आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हमने सब कुछ ठीक ठीक कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट पर अगर क्लिक करूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट करूँगा, स्टेट को चेंज करूँगा। एक तो पेज को कर दूँगा पेज प्लस वन, ठीक है, पेज को अपडेट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं दिस डॉट स्टेट डॉट पेज करूँगा, एक तो पेज को अपडेट करूँगा, उसी के साथ साथ क्या करूँगा, ये कंटेंट भी अपडेट करूँगा। ये देख रहे हो आप, ये कंटेंट पूरा ऐसे के ऐसे ही मैं रखूँगा और इन दोनों फंक्शन को एसिंक बनाया जाएगा, ठीक है, दोनों को। और यहाँ पर मुझे कुछ एरर मिल रहा है, कह रहा है एसिंक मॉडिफायर का नॉनली भी ओके। तो मैं भी इसको ठीक करता हूँ, मैं भी बताता हूँ आपको क्यों वो देखने को मिल रहा है। बट अभी के लिए मैं ये लॉजिक यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, पहले नेक्स्ट वाले क्लिक में एसिंक में यहाँ पर लिखूँगा, फंक्शन के बाहर लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा एसिंक, ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। और अब क्या करूँगा मैं कि नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही होता है, मैं सबसे पहले तो जो पेज है मेरा दिस डॉट स्टेट डॉट पेज प्लस वन, ये चीज़ यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बैकटिक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकटिक्स से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ये जहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉलर, मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो दिस डॉट सेट स्टेट आर्टिकल्स ये मैंने कर दिया, सब कुछ मेरा ठीक ठीक करके आ जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, देखो मैंने दोनों स्टेट सेट कर दी, एक तो मैंने आर्टिकल वाली स्टेट भी यहाँ पर सेट कर दी, मैं इसको हटा दूँगा यहाँ पर, तो मैं एक ही यहाँ पर डालूँगा दिस डॉट सेट स्टेट ये, ठीक है। और यही काम मैं करूँगा प्रीवियस के लिए, ठीक है। बस प्रीवियस में एक चेंज होगा, प्रीवियस में चेंज क्या होगा, प्रीवियस में चेंज ये होगा कि जहाँ पर मैं ये कर रहा था दिस डॉट स्टेट डॉट पेज प्लस वन कर रहा था, वहाँ मैं माइनस वन करूँगा, ठीक है, और यहाँ भी मैं माइनस वन करूँगा, पेज को एक से कम कर दूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके, तो देखो मैंने ये किया, अब मैं नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखो चेंज हो गए सारे के सारे आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल कौन सा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग। लेकिन अगर मैं अगला नेक्स्ट जैसे ही मारूँगा, वैसे देखो ये खाली हो गया, विच वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट ऑल, ठीक है, खाली नहीं होना चाहिए था ये। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगला पेज मेरा खाली है या नहीं है, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, तो कितने रिजल्ट्स मुझे अब तक मिल चुके हैं मैं पेज साइज़ पैरामीटर से ये चीज़ पता कर सकता हूँ। मैं आप लोग को बताता हूँ ये चीज़ कैसे पता करेंगे न्यूज़ API के अंदर। आप अगर newsapi.org पर जाते हो और newsapi में जाने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो और एवरीथिंग पर क्लिक करते हो, तो इनके पास एक पेज साइज़ करके पैरामीटर होता है जो कि आप पास कर सकते हो। अब अगर मैं इस पेज साइज़ को 2 कर दूँ, जैसे मैं ampersand पेज साइज़ इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ दो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख रहे हो।
तो मैं अगर सिर्फ दो दो आर्टिकल्स दिखाना चाहता हूँ तो मैं पेज साइज़ को सेट कर सकता हूँ, दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल, चार आर्टिकल, जितने भी मैं देखना चाहता हूँ एक पेज पर उतने मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने पेज साइज़ को 2 कर दिया है और टोटल रिजल्ट 38 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हो गए आप बताओ। नंबर ऑफ़ पेजेस मेरे पास हो जाएंगे 19, हर पेज पर दो दो आर्टिकल्स, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ़ पेजेस कैलकुलेट कर सकता हूँ पेज साइज़ और टोटल रिजल्ट से, और इसके बाद मैं ये पता लगा सकता हूँ कि क्या मेरा जो अगला पेज है उस वो खाली होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पेज साइज़ को सेट करेंगे 20, ठीक है। मैं दो सेट नहीं करूँगा, एंड पेज साइज़ इज इक्वल टू 20 सेट करूँगा। तो यहाँ पर भी पेज साइज़ इज इक्वल टू 20 सेट करेंगे और यहाँ भी पेज साइज़ इज इक्वल टू 20 सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज साइज इक्वल टू 20 सेट करूँगा। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते थे कि एक ही फंक्शन बना सकते थे, यहाँ पर हमने बहुत ही कोड को डुप्लीकेट किया हुआ है, बट दैट्स फाइन फॉर नाउ, बाद में रिफैक्टर कर लेंगे। पेज साइज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, तो तीनों जगह पेज साइज 20 20 20, यानी कि हमारे एक पेज पर 20 आर्टिकल्स दिखने वाले हैं। अब नेक्स्ट पेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं वो पता लगाऊंगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है मेरे वो जो होंगे डिवाइडेड बाय पेज साइज जो है मेरा उसका जो मैथ डॉट सील होगा। अब ये मैथ डॉट सील क्या होता है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। 4.6 का मैथ डॉट सील 5 होगा, 5.8 का 6 होगा। मैथ डॉट सील जो है लार्जेस्ट इंटीजर जो है वो रिटर्न करता है जो उस नंबर के बाद आने वाला है, ठीक है। तो हम मैथ डॉट सील को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो पेज वन हो गया और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो भी मैं स्टेट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारी स्टेट, सेट स्टेट में मैं क्या करूँगा, जैसे कंपोनेंटेड माउंट होगा टोटल आर्टिकल्स को मैं कर दूंगा कितना, टोटल आर्टिकल्स को मैं कर दूंगा यहाँ पर जितने भी टोटल आर्टिकल्स मेरी ये टॉप हेडलाइंस दे रही है उसके बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने टोटल आर्टिकल्स को जो मेरा पास्ट डेटा है, पास्ट डेटा डॉट, मैं यहाँ पर सैम्पल रिस्पॉन्स में देखता हूँ कि क्या मेरा टोटल आर्टिकल है किस नाम से, टोटल रिजल्ट्स नाम से, तो टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। तो पास डेटा और टोटल रिजल्ट्स, तो मैं काम करता हूँ टोटल रिजल्ट्स नाम से ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल रिजल्ट्स भी हमारी सेट के अंदर आ चुकी है, स्टेट के अंदर आ चुकी है, सॉरी स्टेट के अंदर हमारी टोटल रिजल्ट भी आ चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि नेक्स्ट पेज है कि नहीं है, और मैं ये काम तभी करूँगा जब नेक्स्ट पेज है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इफ़ जो हमारा टोटल रिजल्ट है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं डिवाइडेड बाय पेज साइज, जो हमारा पेज साइज है, ठीक है, जो कि हमारा 20 है, अभी मैं इसको हार्ड कोड करूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट कर देता हूँ, तो जो टोटल रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय 20 है उसका जो मैथ डॉट सील होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैथ डॉट सील यूज़ करूँगा। मैथ डॉट सील क्या होता है, मैथ डॉट सील 4.6 का 5 होगा, जो अगला बड़ा इंटीजर है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है मैथ डॉट सील ऑफ दिस, ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे, कितने पेजेस चाहिए हमारे सारे रिजल्ट्स को। लेकिन जो हमारा अभी पेज पे हम जाने वाले हैं, यानी कि दिस डॉट स्टेट डॉट पेज प्लस वन, ये अगर हमारा बड़ा हो जाता है किससे, इक्वल हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा हो जाता है इससे मैट डॉट सील से, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, वरना हम लोग जो है कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैंने इसको इफ एल्स में डाल दिया है। अब मैं अगर आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ अपनी ऐप को, मैं अगर नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये बदलना चाहिए था बट नहीं बदला। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है अपने इफ एल्स स्टेटमेंट में, तो मैं चेक करूँगा अपने लॉजिक को, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट लॉग हो रहा है ज़रूर से। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा दिस डॉट स्टेट डॉट पेज प्लस वन, यानी कि जिस पेज पर हम जाने वाले हैं वो अगर बड़ा हो जाता है हमारे जितने पेज हैं उससे, तो हमारे इतने पेज होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एम परसेंट लगाना भूल गया, एम परसेंट पेज साइज इज इक्वल टू 20 मुझे लिखना चाहिए था। अब देखता हूँ कि क्या कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर ये हमारे आर्टिकल्स लोड हो रहे हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज इज इक्वल टू 2 हो गया, तो हम अगले पेज पर आ गए, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे आर्टिकल्स दूसरे अपडेट हो गए, देखो पुराना वाला आ गया, मैं कोविशील्ड वाले पेज पर। तो आई होप कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, एक्सेप्ट ये जो मैंने क्लास यूज़ किया हुआ है, तो मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पर क्लास यूज़ किया हुआ है। उप्स, मैंने कहाँ पर क्लास यूज़ किया हुआ है, कंट्रोल एफ, क्लास, क्लास कहाँ पर यूज़ किया हुआ है, कहीं ना कहीं तो मैंने क्लास इज इक्वल टू यूज़ किया हुआ है। हाँ ये देखो क्लास इज इक्वल टू को मुझे
क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल करूँगा, सेव करूँगा, अब ये एरर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर रिलोड करूँगा इसको तो ये एरर चला गया, और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा अगर तो मुझे यहाँ पर और न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगले नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, अगले नेक्स्ट पर ये मुझे नहीं जाने देगा। बट अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो मैं प्रीवियस पे चला जाऊँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं प्रीवियस पे चला गया हूँ, ठीक है। अब इस ऐप में काफ़ी ऑप्टिमाइजेशंस किए जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिस इज़ द बेस्ट स्टेट ऑफ दिस ऐप, हम इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोड अच्छा हो सके और उसी के साथ साथ हम इस कोड को मेंटेनेबल बना सकें, तो ये हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए मैं इस कोड को पुश करके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि अभी तक का कोड आपको मिल जाए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर एक्सेस करें, या क्लिक करके सेव करें, या क्लिक करके बुकमार्क करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।